आज हमारे साथ ऐसी घटना घटी जो लाइफ में कभी भी नहीं घटी है। कौन सी घटना घटी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आए। और वीडियो कर लेते शुरुआत। कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे हमारा बैग पैक हो चुका है, हम लोग लेके जा रहे हैं कैरी बैग, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। सुबह जाएंगे मॉर्निंग में और नाइट तक घर पे आ जाएंगे। घर से बाहर निकलते ही गौ माता के दर्शन भी हो गए। और जो अभी समय हो रहा है ना, वो बज रहा है 5, और काफ़ी शुद्ध और वातावरण भी मिल रहा है और काफ़ी मज़ा भी आता है इस टाइम ट्रैवल करने में। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं 5 बजे घर से बाहर। और हम लोग किसके साथ जाने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। अभी हम लोग यहाँ पे आंटी जी को रिसीव करेंगे और आंटी जी भी हमारे साथ जाने वाली हैं। कौन सी आंटी जाने वाली है वो मैं आप लोगों को वीडियो में पहली बार दिखाने वाली हूँ। मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी यूट्यूब को लेकर, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था लखनऊ में जो मीटिंग थी, और ऑन द स्पॉट मुझे पता चला कि मीटिंग है, तो फाइनली हम लोगों को निकलना पड़ा। तो आंटी जी से हम लोगों ने पूछा, तो आंटी जी को भी लखनऊ में काम था, तो आंटी का भी काम हो जाएगा और फाइनली हम लोगों का भी हो जाएगा। तो आंटी हम लोगों का ही वेट कर रही थी कि जब हम लोग जाएंगे तो आंटी हमारे साथ ही निकल पड़ेंगी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लखनऊ में, और लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन का लास्ट रूट था, इट मीन्स यहाँ पे ये लास्ट प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पे सारे ट्रेन के जितने भी मेंबर्स थे सब उतर चुके हैं लखनऊ में, सो डैट ये पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ मेरे पीछे दिख रही है, मेरे आगे भी काफ़ी भीड़ है, तो इस भीड़ में चलना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और एक पे एक ही भीड़ ख़त्म भी हो जाएगी, एक पे एक भीड़ आई भी है और एक पे एक भीड़ ख़त्म भी हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है हर पल आपके साथ, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, हमें भी आपकी ज़रूरत है लखनऊ में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा मंगल में हो। अब तक तो मंगल में हुआ है, अब क्या होगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही क्राउड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी चहल पहल है। आखिर होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये यूपी की राजधानी जो है, और हम लोग फाइनली यूपी की राजधानी में लखनऊ में ही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटो वगैरह दिख रही है, इतना तो इलाहाबाद में भी नहीं दिखती है। और काफ़ी भीड़ भी है, ऑटो में भी भीड़ है, और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। फाइनली हमें जाना है अभी मीटिंग में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यूट्यूब की तरफ से बुलाया गया है, और चलते हैं वहाँ पे। हम लोगों को कुछ कैप्चर करना अलाउड नहीं है क्योंकि वो हम लोगों के लिए एक सीक्रेट मीटिंग होगी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर को ही बुलाया गया है, और गिने चुने इन्फ्लुएंसर को ही बुलाया गया है, तो उस चीज़ को हम लोग वायरल नहीं कर सकते हैं। मीटिंग के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं उस चीज़ को मैं ज़रूर रिकॉर्ड करने वाली हूँ, और छोटा मोटा आंटी का भी काम है उसको भी मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये छोटा मोटा व्लॉगिंग है मेरा, इससे ही मेरे को थोड़ी साहस मिलेगी, थोड़ी मेरे अंदर एक ऊर्जा आएगी कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, क्योंकि व्लॉग करना कुछ आसान काम नहीं है, जो ये करता है वो वही जानता है। और ये कि मेरा पैशन भी बन गया, मुझे कोई इस चीज़ का एकदम से शौक नहीं है कि मैं वो चीज़ें दिखाऊँ, बट मैं
उस चीज़ को करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं हर जगह एक हिम्मत से ब्लॉगिंग कर सकूं, किसी के सामने निडर होके खड़ी हो सकूं। ये चीज़ें मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की, इसलिए मैं ब्लॉगिंग हर जगह करना अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं एक खुल के लोगों के सामने आ सकूं कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये है कमान हॉस्पिटल, जो आर्मीज़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लखनऊ में। इनफैक्ट अगर इलाहाबाद को भी इससे कंपेयर किया जाए तो ये इलाहाबाद के कंपेयर में भी बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ पे अगर पेशेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं डॉक्टर, तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रेफ़र किया जाता है पेशेंट को, ताकि यहाँ पे उन लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। और काफ़ी सारे इस चीज़ के ब्रांच है, जैसे कि IOPD है, स्किन OPD है, काफ़ी सारे हैं। और स्किन OPD हमारे प्रयागराज में नहीं है, तो हम लोगों को अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, या फिर पिंपल्स हो गया, या फेस पे वॉर्ड्स हो गया, वॉर्ड्स रिमूव कराने हैं, या बॉडी इचिंग, जो भी हम लोगों को स्किन से समस्या हो, तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए लखनऊ आना पड़ता है। थोड़ा हम लोगों को दूर पड़ जाता है डिस्टेंस से, बट इट्स ओके, हमारा जो हॉस्पिटल है तो हम कहीं और क्यों जाएँ। तो ये हम लोगों का स्किन OPD है। यहाँ पर थोड़ा आंटी को काम था, तो हम लोग आंटी के साथ यहाँ पे आ चुके हैं, तो फाइनली हम लोग अंदर एंटर करने जा रहे हैं आंटी के साथ ही। और मैं यहाँ पे एक साल बाद आ रही हूँ। एक साल पहले मैंने यहाँ से अपने फेस का वॉर्ड्स रिमूव कराया था, और अभी आंटी ने कहा था कि जब भी आप लोग जाओगे लखनऊ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगी। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा वातावरण, और मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ आर्मी का लगता है ना, कि साफ़ सफाई होती है, क्लीननेस रहती है हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल में क्लीननेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों का जो बचपन से इलाज हुआ है, जो भी हम लोगों का दवा वगैरह है, सब आर्मी से ही हम लोगों को शूट करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है, स्किन OPD है, और ये कुछ ही हफ्ते में कुछ ही दिन ओपन रहता है, तो फाइनली आज के दिन ओपन था, तो हम लोग फाइनली यहाँ पर आंटी के साथ ही आए हैं। यहाँ पे मेरी नज़र गई एक आंटी पे, और मैंने देखा आंटी के कमर से नीचे, इनफैक्ट घुटने से भी नीचे लंबे बाल थे। तो आज के डेट में इतने लंबे बाल रखना सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे आंटी जी को दवा लगाने के लिए दिया गया है, 1 घंटे के लिए इस दवा को रखना है। इसके बाद जितने भी बॉडी पे पिम्पल्स वगैरह होंगे, सारे पिम्पल्स को रिमूव कर दिया जाएगा, पहले से जैसे पहले स्किन थी सेम वैसी हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग 1 घंटे का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा आंटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 ईयर का पूरा प्रोग्रेस दिया गया है कि कौन से मंथ में ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं स्किन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं यही बैठ के देख रही थी, और आंटी जी का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, और ऑलरेडी 2 लोग गए हुए हैं, सो डैट मैं बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ कि कब आंटी बाहर आएंगी। तो फाइनली आंटी आ चुकी हैं बाहर, और यहाँ पे आंटी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है, और हम लोग अभी फाइनली निकलने वाले हैं इलाहाबाद के लिए, ट्रेन पकड़ने वाले, क्योंकि जो हम लोगों का 2-3 काम था वो फाइनल डन हो चुका है, और हम लोग अभी किसी का वेट कर रहे हैं। और किसका वेट कर रहे हैं? आंटी जी की बहन का, जो सिस्टर है वो लखनऊ में रहते हैं। तो हम लोगों के भी काफ़ी फैमिली मेम्बर्स लखनऊ में रहते हैं, बट हम लोग ने किसी को परेशान नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, 1 दिन का ही टाइम था हमारे पास ओनली एंड ओनली। तो हम लोगों ने 1 दिन में जितने 2-3 काम थे सारे डन कर लिए, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए, अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल बैठ के अपना लंच कर रहे थे। लखनऊ में कोई मिले या ना मिले, बट ये डॉगी का साथ ज़रूर मिला, और ये डॉगी ने हमारे साथ तब तक समय बिताया जब तक हम यहाँ पे बैठे थे। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे तक बैठे थे, तब तक ही डॉगी हम लोगों के साथ ही खेला कूदा, और मैंने इसके साथ ढेर सारे वीडियो भी बनाई और शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए। बैठे बैठे काम हो गया। हाँ, अच्छा पढ़ा लिख, खाना खा लो, खा लो खा जाए, खाना बना लो, सब्जी आलू रहे। और फाइनली यहाँ पे आंटी जी की सिस्टर भी आ चुकी हैं, और आंटी जी अपने साथ लेके आई हैं गर्मा गर्म खाना। और आंटी जी को मना किया था हम लोगों ने लाने के लिए, आंटी जी ने फ़ोन में पूछा था कि खाना लेके आना है, तो हम लोगों ने मना किया था, बट आंटी जी मानी नहीं और आंटी जी लेकर आई। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय से खाया पिया, फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके, और ये डॉगी हम लोगों के साथ ही पीछे पीछे आ रहा था। और हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि आंटी और आंटी की सिस्टर का साड़ी एकदम कलर मैच हो रहा था, बट इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, बट
इनफैक्ट संजोग जिसे संजोग कहा जाता है, तो फाइनली इन लोगों की साड़ी भी मैच कर रही थी। तो आंटी जी और आंटी जी के सिस्टर सिस्टर ही लग रही थी फेस वाइज भी, और काफ़ी आंटी जी का नेचर भी बहुत अच्छा, मतलब जैसे आंटी जी है ना वैसे उनका सिस्टर का नेचर भी बहुत ही अच्छा था। हम लोग तो कुछ टाइम रहे और काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिली और काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय भी किया एक साथ। तो अब आ गया है टाइम बाय बाय करने का, क्योंकि अभी हम लोगों की आधे घंटे बाद ट्रेन है, तो 15 मिनट लगेगी जाने के लिए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं रास्ते के लिए, और यहाँ पे दोनों सिस्टर्स आपस में बातें कर रही हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑटो का। ये डॉगी ने हमारा बहुत ही साथ दिया है, हम लोग अंदर भी एक घंटा बैठे थे तो हमारे साथ वहाँ पे बैठा था, और हम लोगों को बाहर छोड़ने आया। जैसे कि हम लोग गांव से आते हैं ना तो फैमिली पूरी बाहर आ जाती है छोड़ने के लिए, सेम वैसे ही डॉगी का भी वैसे ही नेचर था। तो बहुत ही क्यूट भी डॉगी था, और यहाँ पे ऑटो नहीं मिली, ऑटो थोड़ी सी दूर जाके ही मिल पाती। तो हम लोग थोड़ा सा आधा किलोमीटर पैदल चले, आधा किलोमीटर से भी कम था। लाइक और सब्सक्राइब चलो भैया चलो आज हमारे साथ ऐसी घटना घटी जो लाइफ में हमेशा याद रहेगा, और क्या हुआ ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हमारे साथ फाइनली ये हुआ कि ये जो प्लेटफॉर्म पे ये जो ट्रेन खड़ी है, इस ट्रेन के बाद अनाउंसमेंट थी वो वाली ट्रेन जिस ट्रेन से हमें जाना था, बट हम इस ट्रेन के बाद एक और ट्रेन आई जो ट्रेन का अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और उस ट्रेन पर बोर्ड भी नहीं लगा था। तो हम लोगों ने ना बोर्ड देखा और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी स्टेशन पे भीड़ हो गई थी लास्ट टाइम, कि हम लोगों ने सीट के चक्कर में हम उस ट्रेन में बैठ गए, और उस ट्रेन पे बैठे जो सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ जा रही थी, और हमें जाना था प्रयागराज। बट वो जो प्रतापगढ़ गई, प्रतापगढ़ के बाद हम लोग वो काफ़ी उस ट्रेन की चेन पुलिंग हुई, इतनी चेन पुलिंग क्योंकि काफ़ी लोग उसमें ऐसे बैठ चुके थे जिनको नहीं पता था कि ये वो ट्रेन नहीं है, ये दूसरी ट्रेन है, क्योंकि ये ट्रेन ऑन द स्पॉट आ गई थी। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने चेन पुलिंग करके उतर गए, तब भी हमें ये चीज़ नहीं पता चला, और हम लोगों ने काफ़ी लोगों से डिस्कस भी नहीं किया, कोई बातचीत भी नहीं हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो फाइनली हम लोग गलत ट्रेन में बैठ गए, और वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ तक ही गई। बाद में हमें रायबरेली की बात पता चला कि हम लोग गलत ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो हम लोग लास्ट प्लेटफॉर्म प्रतापगढ़ में ही आके उतरे, और वहाँ से हम लोगों ने एक लोकल ट्रेन पकड़ी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज ही जा रही थी, प्रतापगढ़ से प्रयागराज। तो फाइनली हमें ऐसी ट्रेन मिल गई कि हम लोग घर पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो आज का दिन हमारा ऐसा दिन था कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती थी, और जो चेहरे की रौनक थी ना एकदम से ख़त्म हो गई थी, डर बैठ गया था, क्योंकि रात में सफ़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पहले ट्रेन आई थी नेक्स्ट ट्रेन, बट वो ट्रेन नहीं आई, इसकी जगह दूसरी ट्रेन आ गई, जिस ट्रेन में हम चढ़े ना वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली, तो हम 4 पे खड़े थे और 4 पे आने वाली थी। और सच में गाइस ये पहली बार हुआ है, और हम लोग अभी घर से पहली बार निकले हैं, और
एक्चुअल में ना हम लोग चढ़ने के चक्कर में ना वो ट्रेन का बोर्ड नहीं पढ़ पाए और वो ट्रेन का बोर्ड ना बहुत पीछे लगा हुआ था और हम लोगों को जर्नल में चढ़ना था क्योंकि ऑन द स्पॉट हम लोगों ने टिकट कटवाया था सुरेट हमें जर्नल में चढ़ना था इस वजह से ये मिस्टेक हुआ और ये बहुत भारी मिस्टेक था नेक्स्ट टाइम से लाइफ में याद रहेगा कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। फाइनली भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग घर पे पहुंच गए और यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है डिनर और ढेर सारी हम लोगों ने बातें की और काफ़ी हम लोगों को अपनी गलतियों पे हंसी भी आ रही थी। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।